हेलो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आपका अपने 555 टैरट गाइडेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ज़्यादा वेलकम। और जो लोग फिर से इस चैनल पर आए हैं उनका भी बहुत ज़्यादा वेलकम। आई होप आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। इट्स अ रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो नाउ गाइस, आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी इशू चल रहा है, वो मैं कार्ड से निकालूंगी और आपसे जो भी रेजोनेट करे, जो भी इशू रेजोनेट करे, आप उसको लीजिएगा। और वो निकालने के बाद मैं देखूंगी कि वो जो प्रॉब्लम है वो कब तक रिजॉल्व हो जाएगी, कब तक आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं कार्ड्स निकालती हूँ, 3 कार्ड्स लूँगी और उसमें से फिर हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो कब तक रिजॉल्व हो सकती है। मैं टाइमिंग्स निकालूंगी कि वो टाइमिंग्स क्या हो सकते हैं कि प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चले तो मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ। पहले शफल करते हैं, देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एंड देन हम उसका टाइम देखेंगे। ओके, आई थिंक एक कार्ड देखते हैं कि ठीक है। चलिए, ये वाला एक यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, ये वाला। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम एंड वन मोर कार्ड। ओके, 2 कार्ड आ गए, ठीक है, दोनों ही ले लेते हैं। ओके, नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। डेथ, ओके, द एम्प्रेस, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक कार्ड और दिया, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। ठीक है, यहाँ पर ना जो मुझे ज़्यादातर कार्ड दिख रहे हैं ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं। पेंटिकल्स इन द सेंस कि आपका मनी आपसे आपका करियर उससे रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उन्हें ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट शोज़ कि एक तो प्रॉब्लम है यहाँ पर मनी से रिलेटेड, और दूसरा जो प्रॉब्लम है विद दिस डेथ कार्ड, इट शोज़ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आया है जिसमें आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मे बी वो करियर को लेकर ही हो सकता है कि आपने कोई ऐसा करियर चूज़ किया है जिसके थ्रू आप इस पोजीशन में हैं कि अब आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं एंड नाउ यू आर वेटिंग कि ये वाला पोजीशन जो है द एम्प्रेस वाला पोजीशन, मतलब एक क्वीन वाला जो पोजीशन है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है, वो आपकी लाइफ में कब आएगा। तो मेनली तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा करियर से रिलेटेड इशू ही है यहाँ पर। एज सच कोई इशू यहाँ सिर्फ करियर को लेकर ही ज़्यादा दिख रहा है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि अगर आपको करियर को लेकर इशू है, आपके बिजनेस को लेकर इशू है, बिकॉज दिस पेंटिकल कार्ड शोज़ दैट यहाँ पर आपको करियर और बिजनेस को लेकर ही लोगों को ज़्यादा इशू आ रहे हैं। मे बी जो व्यूअर्स हैं यहाँ पर उनकी लाइफ में यही ज़्यादा इशूज़ चल रहे हैं। लेट्स सी कि वो कब तक रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं करियर कब तक आपका एक स्टेबल करियर बन सकता है। ओके, दिस कार्ड, फाइन, एंड अनदर कार्ड, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रेस्टीज, ओके, ठीक है, ओके, 2 ऑफ विंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, गाइस यहाँ पर 2, 6, 1, 5, ओके। सो जिन लोगों का बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, अगर किसी का कोई बिजनेस का इश्यू चल रहा है, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपको मिल नहीं पा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको नेक्स्ट 4 वीक्स या 4 मंथ्स तक मिल सकता है। अगर आपका बिजनेस थोड़ा लॉस में चल रहा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, एंड यू आर वेटिंग कि कब वो बिजनेस ग्रो होगा विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, इट शोज़ कि अगर आपकी लाइफ में ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है और आप इस पोजीशन को पाना चाहते हैं, तो गाइस इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन।
ये ट्रांसफॉर्म फेज़ है, आप कुछ ऐसा क्रिएट करिए जो एकदम अलग हो, अच्छा हो। आपकी लाइफ में ये चीज़ें अपने आप होंगी कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे और उसके बाद आपका जो बिज़नेस है वो रन करना स्टार्ट कर देगा विद इन नेक्स्ट 4 वीक्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स में ये चीज़ हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सम। अगर मैं बताऊँ तो ये जो आपका इश्यू है वो रिजॉल्व हो सकता है अगर आपकी किसी ऐसे पर्सन से हेल्प हो पाएगी। शायद यहाँ पर कोई होगा जो आपकी हेल्प करेगा, इट्स योर मदर और मदर लाइक वुमेन, ठीक है, या मदर लाइक फादर हो सकते हैं, मदर लाइक वुमेन हो सकती है, मैन हो सकता है, जो मदरली नेचर हो, आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, उनकी हेल्प से ये इश्यू रिजॉल्व हो सकता है। एंड वन मोर थिंग यहाँ पर है स्ट्रेंथ। दिस स्ट्रेंथ कार्ड शोज कि इस टाइम पीरियड तक, जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है। अगर आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड इशू है, मनी से रिलेटेड इशू है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, डेफिनेटली वो आएगा विद इन 4 वीक्स, वो 4 मंथ्स, बट यू हैव टू हैव सम स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ। आपको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़े से आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी एंड देन आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, एंड नाउ जिन लोगों की लाइफ में करियर को लेकर इश्यू आ रहा है, ठीक है, बिकॉज इसके साथ यहाँ पर करियर का भी कार्ड है एंड करियर को लेकर भी अगर इशू आ रहा है किसी की लाइफ में, तो लेट्स सी कि वो कब तक रिजॉल्व हो पाएगा। ओके, कार्ड अपने आप ही आया है, फाइन, लेट्स सी। चलिए ये ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वैंड्स। यस, करियर को लेकर यहाँ बहुत सारे लोग वरिड हैं। विद दिस 3 ऑफ वैंड इट शोज कि आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड है। यहाँ पर हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो मनी को लेकर वरिड हैं, कुछ लोग हैं जो करियर को लेकर वरिड हैं। वेरी नाइस, ओके, फाइन। सिर्फ करियर को लेकर नहीं, या लव लाइफ को लेकर भी बहुत सारे लोग वरिड हैं। सो गाइस, यस, वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर करियर को लेकर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो इट विल बी विद इन 6 मंथ्स एंड अ ईयर, नॉट मोर देन ईयर, विद इन अ ईयर आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। यस, अगर आपको लग रहा है कि आपकी करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है विद दिस कार्ड, आपका करियर है तो ये जो करियर है ये आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एंड आप बस बिना ये सोचिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर आप अपने करियर में लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आप एक सही डायरेक्शन में हैं। ये कार्ड दिखा रहे हैं कि आप एक सही डायरेक्शन में हैं। ये 9 ऑफ कप कार्ड भी यही शो कर रहे हैं कि सी दिस पर्सन कितने अच्छे से बैठा है, शोज़ कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको थोड़े से एफर्ट्स और लगाने हैं और जब आप एफर्ट लगाएंगे डेफिनेटली विद इन एन ईयर आपका ये करियर स्टेबल होने लगेगा। देर आर वेरी मच चांसेस कि करियर स्टेबल होगा। एंड जो लोग लव लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ में हैं, जिनको लव लाइफ का प्रॉब्लम हो रहा है, गाइस विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ्स ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। डेफिनेटली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 6 मंथ्स और 6 वीक्स। बहुत सारे लोगों के लिए 6 वीक्स, जो लोग पॉजिटिव हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, 6 वीक्स के अंदर अंदर आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, देन यस, दिस पर्सन इज़ अराइविंग विद इन 6 मंथ्स। सो जस्ट डोंट वरी, जस्ट बी हैप्पी, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, डेफिनेटली वो चीज़ होगी। और जो लोग करियर को लेकर थोड़े से परेशान हैं, उनका विद इन एन ईयर, यस विद इन एन ईयर और उससे ज़्यादा 3 मंथ्स और लग सकते, नहीं, विद इन एन ईयर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लगेगा डेफिनेटली विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड। विद इन एन ईयर आपका जो करियर वाला इशू है वो होने लगेगा सही। आप खुद फील करेंगे कि नाउ यू हैव सम स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। हाँ, विद इन क्वीन ऑफ वैंड्स, सी क्वीन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी निगेटिविटी है, ये शो कर रहा है कि जो आपकी निगेटिविटी है, अगर आप सिर्फ उसको दूर कर देंगे, आप जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं, कि एक थॉट पे चलते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, आप जो डाउट क्रिएट करते हैं उसको ख़त्म करेंगे, तो विद इन एन ईयर आपको प्रोग्रेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। एंड यस, 2 ऑफ लवर्स,
फाइन, दिस कार्ड इज शोइंग दैट आपके जो लव रिलेटेड इश्यूज थे, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी का चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए, डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल विद इन 6 weeks 6 months, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाली हैं. नाउ विल सी द गाइडेंस. एंजल की क्या गाइडेंस है? जिन लोगों को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स सी. ओके, और एक ये का, ठीक है. जिन लोगों का प्रॉब्लम था मनी रिलेटेड, करियर से नहीं, मनी रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड था, उनके लिए नो. नो फॉर व्हाट? नो फॉर निगेटिविटी. सी दिस एंजल, ये एंजल शो कर रहे हैं कि आप नेगेटिव मत होइए, एंजल आपके साथ है, परेशान मत होइए, बस अपना काम कीजिए, गॉड एंजल आपके साथ है, डेफिनेटली है. कम्युनिकेट क्लियरली, लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके, तो डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है. एंजल की तरफ से एडवाइस है, गॉड की तरफ से एडवाइस है कि आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करें, अच्छे से बात करें, उस प्रॉब्लम का रिजॉल्व करें कि क्यों नहीं आ रहा, क्या होना चाहिए. और ये आपको कैसे पता चलेगा, कैसे होगा? लिसन टू योर इंट्यूशन. आपको जो पॉसिबल वे लग रहा है, अच्छा वे लग रहा है, आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, डेफिनेटली आपका काम होगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा, बस आपको नेगेटिव नहीं होना है. ठीक है, डोंट स्टॉप. यस, डोंट स्टॉप. आपको स्टॉप नहीं होना है, अपने काम में लगे रहना है, परेशान नहीं होना है, जो भी चीज़ें उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करना है और अपने इंट्यूशन को सुनना है कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है. नाउ जो लोग करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, विद इन एन ईयर आपका रिजोल्यूशन हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, बहुत सारा चांसेस है. लेट्स सी कि एंजल की तरफ से, गॉड की तरफ से आपको क्या. सी अबंडेंस, यस अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है. सी दिस एंजल, कितने अच्छे से अबंडेंस आ रहा है, कितनी अच्छी लाइट आ रही है, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाला है. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है. यस विद इन एन ईयर अबंडेंस एंड यस, दोनों कार्ड आए हैं साथ में. तो आपका जो करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, बस आप अच्छा अच्छा सोचिए, अपनी चीज़ों को सही तरीके से कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा. विद इन एन ईयर आपका करियर सही होने लगेगा. बॉटम ऑफ द डेक, पीसफुल रेजोल्यूशन. आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप पीसफुली उसका रिजोल्यूशन निकालिए. अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके स्कूल एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, पीसफुली आप उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है रिजॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, डेफिनेटली आपका करियर स्टेबल होने लगेगा विद इन एन ईयर. ओके, नाउ द ग्रुप ऑफ पीपल जो लव लाइफ से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, लेट्स सी उनके लिए क्या गाइडेंस है. ओके, नो, नो फॉर व्हाट? लेट्स चेक. नो फॉर व्हाट? रिकवरी. यस रिकवरी, गेट मोर इंफॉर्मेशन. ओके सो गाइस, जो लोग लव लाइफ में इश्यू चल रहा है जिनके, उनको ये सजेस्ट किया जा रहा है गॉड की तरफ से कि आप थोड़ा दुखी, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, धीरे धीरे आपकी रिकवरी होगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है. विद इन 6 weeks 6 months अगर आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, सी दिस कार्ड, दिस कार्ड, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रॉब्लम आया था. अगर आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, आराम से पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, अपने करियर पर फोकस करते हैं, तो चीज़ें अपने आप रिजॉल्व होने लगेंगी एंड यू विल हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग. द एम्प्रेस, ये दी एम्प्रेस का कार्ड यही शो कर रहा है. ये लेडी देखो कितनी अच्छे से बैठी, कितनी ग्रो है, हर चीज़ है इस लेडी के पास, कितना ग्लो है इसके फेस पे. ये पोजीशन आपकी लाइफ में आने वाली है, आपको आराम से बैठना है, अपने करियर पे फोकस करना है एंड आफ्टर दैट आप इस चीज़ पर पहुंच जाएंगे. आपका जो लव रिलेटेड इशू है, आपके लव लाइफ में जो इशू चल रहा है, वो रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 6 weeks और 6 months.
बट कंडीशन यही है कि आप अच्छे से रहें, अपने काम पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, जो काम आप कर सकते हैं उस पर फोकस करें एंड खूब सारी पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करें। डेफिनेटली ये चीज़ हो जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली है। ठीक है गाइज, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलती हूँ। अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग बनाऊँ तो आप प्लीज़ उसे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके लिए रीडिंग बना दूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर रीडिंग्स। ओके, बाय बाय।